ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जो बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं उन्हें किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, साथ ही साथ ये जो व्रत है वो कब किया जाएगा, जो तृतीया तिथि है वो कब पड़ रही है, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज व्रत जो है वो 18 सितंबर को दिन सोमवार को मनाई जाएगी। व्रत को हरतालिका तीज व्रत या तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व पर भगवान शिव की पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। ये जो व्रत होता है इसमें महिलाएं पूरा निर्जल व्रत करने का संकल्प लेती हैं। 24 घंटे वो कोई भी बगैर पानी बगैर फलाहार के इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं अब सुयोग वर की प्राप्ति के लिए, और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ये जो व्रत है वो बहुत कठिन होता है। 24 घंटे निराजली जो है वो किया जाता है, और इस व्रत में ना सोया जाता है, ना पानी पिया जाता है, ना किसी को पिलाया जाता है। बहुत सारे नियम जो हैं वो इस व्रत के बताए गए हैं। अब अगर मैं इस व्रत की बात करूं कि ये जो व्रत है वो साल 2023 में कब किया जाएगा, तो पंचांग के अनुसार 17 तारीख को मतलब 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि जो है वो शुरू हो रही है, और अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:29 पर तृतीया तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो व्रत है वो 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 से रात 8:24 तक समय है पूजा करने का वो रहेगा। सबसे उपयुक्त समय जो है वो यही रहेगा, सुबह 6 से रात 8:24 तक। और शाम की जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए जो भी बहनें व्रत करें वो शुभ मुहूर्त पे ही और प्रदोष काल में ही इस व्रत की पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें हैं जो पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उनको बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं है। तो जो बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, पहले बात तो ये, बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि मनमास पड़ रहा है तो इस साल व्रत उठाएं कि ना उठाएं। तो देखिए, जिस साल में जिस महीने में मनमास पड़ता है उस महीने में व्रत नहीं उठाए जाते हैं, बाकी आगे और पीछे आप व्रत कर सकते हैं। मतलब इस साल भी आप व्रत जो है वो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप पूरा साल व्रत ना उठाएं तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लें, और घर के बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से उस चीज को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं उनको नई साड़ी जो है वो पहननी चाहिए, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ जो भी बहनें व्रत कर रही हैं उनको व्रत का संकल्प लेने के बाद में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पहली बार उठा रही हैं तो बहुत ही सोच समझ के उठाएं, क्योंकि इस व्रत को अगर आपने उठा लिया तो फिर 12 साल आप इस व्रत को करना ही करना है, उसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। बहुत सारी बूढ़ी माताएँ बहनें हैं जो इस व्रत को मरते दम तक करती हैं, और हमारे घर की भी ऐसी मान्यता है। हमारे यहाँ भी हमारी माँ बताती है कि जो इस व्रत को एक बार उठा लेता है उसे मरते दम तक इस व्रत को करना चाहिए। व्रत बहुत कठिन होता है, तो मैं उन बहनों से बोलना चाहूंगी कि बहुत ही सोच समझ के जब आप पूरी तरीके से तैयार हों तभी आप इस व्रत को उठाएं, अन्यथा इस व्रत को ना उठाएं। जो भी बहनें इस साल व्रत उठा रही हैं पूरे, वैसे तो सबको ये बात पता होगी, सब बहनें करती हैं, लेकिन जो बहनें इस साल व्रत उठा रही हैं उनको नहीं पता है, तो जब भी आप घर पे पूजा करें फुलैरा ज़रूर बांधें, मतलब जो फूलों की लड़ियां हैं वो अपने पूजा घर में जहाँ पे चौकी लगा रही हैं भगवान को विराजमान कर रही हैं वहाँ पर फुलैरा ज़रूर बांधें, और आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से करें। 16 सिंगार ज़रूर करें। व्रत के दौरान जितना आप तैयार हो सकती हैं उतना आप
तैयार हों, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है और जितना आप अच्छे से कर सकती हैं उतना अच्छे से करें तो ये आपके लिए ज़्यादा सौभाग्य का प्रतीक होगा। साथ ही साथ वायना जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए, सुहाग की चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। पहली बार अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो ब्लाउज की पीस और अगर साड़ी संभव हो तो साड़ी और जो भी सिंगार का सामान होता है सुहागन ब्राह्मणी हैं उनको दान में देना चाहिए। और अगर आप इस व्रत को निरंतर करती चली आ रही हैं तो कुछ दान पुण्य और कुछ सुहाग का सामान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। अगर पहली बार कर रही हैं तो ब्लाउज पीस या साड़ी जो है वो ज़रूर लगाएं सुहाग के सामान के साथ और फिर जो है वो दान करें। सुहाग की चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, इसलिए हमें दान पुण्य जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। अगले दिन जब व्रत का पारण करती हैं उस दिन आपको जो भी सामग्री खाने पीने की है, दाल चावल सब्जी अचार पापड़ जो भी आपके घर में है, वो सारी चीज़ें एक प्लास्टिक में, एक पन्नी में, एक थाली में लगा के या प्लास्टिक में लगा के सारी चीज़ें बांध के किसी ब्राह्मण को किसी विप्र को दान में देना चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो हरतालिका तीज व्रत में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।